गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेनु सोरेन, टीचर ऑफ सेंट माइकल्स एकेडमी बेतिया। वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण पुस्तक से पार्ट 5 लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। लिंग अप्राणिक वाचक संज्ञाओं के लिंग भेद का आधार परंपरा का अनुसरण ही है। देशों, महीनों, दिनों, दीपों, स्थानों, अनाजों एवं समूहवाची शब्दों के नाम सदैव क्या होते हैं बच्चों? वो पुल्लिंग ही रहते हैं। एवं तिथियों के नाम, निर्जीव संज्ञाओं के नाम, नदियों के आकार में छोटी चीजों आदि के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया का लिंग संज्ञा का लिंग बदलने पर बदल जाता। आइए हम देखते हैं लिंग की परिभाषा क्या है। शब्द का सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंग का अर्थ क्या होता है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग का अर्थ होता है लक्षण या पहचान या चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है लक्षण, पहचान या फिर चिन्ह। परिभाषा है शब्द का वह रूप जिसे पता चले कि शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे ही हम लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष, स्त्री, मोर, मोरनी, गायक और गायिका। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का भेद कराने बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं वे वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पुल्लिंग में माली फूल तोड़ रहा है, स्त्रीलिंग में हो जाएगा मालिन फूलों की माला गूंथ रही है। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका परीक्षा ले रही है। पुल्लिंग की पहचान बच्चों हम कैसे करेंगे? पुल्लिंग की पहचान में हम देखेंगे कि देशों के जो नाम हैं, देशों के नाम हमेशा क्या रहते हैं? वो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। देशों के नाम हमेशा हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, रूस, जापान। अनाजों के नाम पुल्लिंग की पहचान हम देखेंगे कि अनाजों के नाम गेहूं, चना, बाजरा, जौ, चावल आदि। अपवाद जैसे जई है, ज्वार है, मक्की है, ये सब अपवाद में आते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, जो स्त्रीलिंग में आते हैं। वृक्षों के नाम सेब, आम, केला। ग्रहों के नाम मंगल, बुध, बृहस्पति। पर्वतों एवं सागरों के नाम हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी, हिंद सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। पदार्थों के नाम हो गए, समय के नाम हो गए, वर्णमाला के अक्षर हो गए, दिनों एवं महीनों के नाम समूहवाची शब्द हो गए। जैसे समूह में जो चीजें होती हैं, जैसे परिवार हो गया, कुटुंब हो गया, मंडल हो गया, दल हो गया, संघ हो गया, ये सब हमेशा सदैव ही पुल्लिंग ही रूप इनका होता है। शरीर के अंगों के नाम हो गए, जैसे मस्तिष्क हो गया, माथा है, कान है, होंठ है। महाद्वीपों के नाम हो गए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि। स्थानों के नाम ग्राम, नगर, जिला, प्रदेश, प्रांत आदि। स्थानों के नाम हो गए ग्राम, नगर, जिला, प्रदेश, प्रांत आदि। इसके बाद आता है रत्नों एवं धातुओं के नाम भी हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। उनमें कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि चांदी स्त्रीलिंग में आ जाती है एवं मणि स्त्रीलिंग में आ जाती है। अब हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। कुछ अंगों के नाम होते हैं, जैसे आंख है, नाक है, कान है, गर्दन है। भाषाओं और बोलियों के नाम में लिपि हो गई, पंजाबी, गुजराती, देवनागरी, इकारांत, निर्जीव संज्ञाएं, नदियों के नाम, आकारांत, तत्सम आदि। तिथियों के नाम में प्रतिपदा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि। आकार में छोटी वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे
डिबिया, खटिया, लुटिया, डोरी, कटोरी। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग उनके वाक्य प्रयोग के आधार पर ही होता है। जो अप्राणीवाचक संज्ञा होती हैं, उनका लिंग जो होता है, उनका जो वाक्यों का जब हम प्रयोग करते हैं बच्चों, उसी के आधार पर उनका लिंग निर्धारित किया जाता है। ऐसे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द में ही प्रयोग होते हैं, जैसे गिलहरी है तो वो हमेशा स्त्रीलिंग ही होगी, तितली है, दीमक है, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी आदि, सदा स्त्रीलिंग शब्दों के पहले हम प्रायः यदि किसी को पुल्लिंग में प्रयोग करना है तो नर जोड़कर उनके पुल्लिंग बनाए जा सकते हैं। जैसे नर मक्खी, नर छिपकली, नर दीमक, इस प्रकार से नर जोड़कर हम उनके पुल्लिंग बनाए जाते हैं। पद सूचक किसी को पद के हिसाब से लिंगों में समान रहते हैं। जैसे पद में होता है जो स्त्रीलिंग में भी आता है और एवं पुल्लिंग में भी आता है, जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। सचिव, निदेशक, शिक्षा अधिकारी आदि जो है वो सदैव स्त्रीलिंग पद सूचक शब्दों में दोनों लिंगों में समान ही होती है, स्त्री भी होते हैं और पुरुष भी होते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति मैंने बताया आपको, प्रधानमंत्री, ये स्त्री भी हो सकते हैं और पुल्लिंग भी हो सकते हैं। लिंग संबंधी कुछ परिवर्तन के संबंधी नियम है, जैसे अ आ को ई करके, जैसे सुंदर में हम बड़ी ई लगा देंगे तो बन जाएगा सुंदरी। आ को इया करके बूढ़ा है तो बुढ़िया। अक को इका करके लेखक है तो लेखिका। ई को इनी अथवा इनी करके योगी और योगिनी। वान को वती और मान को मती करके ज्ञानवान एवं ज्ञानवती। नी प्रत्यय जोड़कर चांद, चांदनी। आनी अथवा आनी जोड़कर देवर हो गया तो देवर की देवरानी। इन अथवा आइन जोड़कर पंडित है तो पंडिताई। त को त्री करके अभिनेता, अभिनेत्री, पिता, माता। लिंग परिवर्तन का प्रभाव हम देखेंगे कि बच्चों किस प्रकार से पड़ता है। सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया पर भी लिंग का परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। यदि संज्ञा पुल्लिंग है तो सर्वनाम विशेषण एक क्रिया पुल्लिंग होगी, और संज्ञा के स्त्रीलिंग होने पर सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया भी स्त्रीलिंग ही हो जाएंगे। जैसे यश मेरा मित्र है, रुचि मेरी मित्र है, सर्वनाम पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है, अर्थात क्रिया पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। मोटा, मोटा सेठ आ गया, ये मोटा सेठानी आ गई। ये सेठ और सेठानी की विशेषता है कि वो क्या है, मोटे हैं, अर्थात ये विशेषण पर प्रभाव डाल रहा है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग भेद का आधार परंपरा का अनुसरण ही है। देशों, महीनों, दिनों, दीपों, अनाजों, स्थानों, अनाजों एवं समूहवाची शब्दों के नाम सदैव ही पुल्लिंग होते हैं। तिथियों, निर्जीव संज्ञाओं, नदियों, आकार में छोटी चीजों आदि के नाम सदैव ही स्त्रीलिंग होते हैं। सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया का लिंग, संज्ञा का विशेषण लिंग बदलने पर बदल जाता है। बच्चों, आज आपका लिंग पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।